पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। ब्रह्मांड नायक साई बाबा, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ताया ताई भी कनाडा जा रहे हैं। और ताई की जमीन है, इसीलिए तो कह रही हूँ तू बड़ा लड़का है घर का, कुछ बंदोबस्त कर जाके। आप जबरदस्ती ना किसी को भी खेती नहीं करवा सकते। यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतनी औखी क्यों हो रही है तू? कमल ने तो अपना रास्ता चुन लिया, अब तुम देखो तुमने किस रास्ते जाना है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती अनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी, इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। पंजाब और दिल्ली में कुछ जगह बरसेंगे बादल, तो छत्तीसगढ़ और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार। गोवा और कर्नाटक तट पर 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं की संभावना, मछुआरों को इलाकों में न जाने की है सलाह। और आंध्र प्रदेश में धान और कपास की कर रहे बुआई, तमिलनाडु में मूंग और उड़द की करें सिंचाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, मौसम खबर में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख साथ ही गिलगित में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव।
कल और गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। उत्तर प्रदेश में दो दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। दो दिन बिहार में रविवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। कल राजस्थान और विदर्भ में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में दो दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। केरल में कल बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश में कल और उत्तराखंड में दो दिन इक्का दुक्का जगह हो सकती है जोरदार बरसात। और अब खास खबरों के बाद बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है और पूर्वी भारत में बरसात होगी। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी बरसात की संभावना बनी हुई है। दो दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दो दिन कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही दो दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में दो दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दो दिन गांगेय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दो दिन ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर दो दिन अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में दो दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो दो दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में दो दिन अधिकतर स्थानों पर वर्षा हो सकता है। दो दिन अधिकतर हिस्सों में वर्षा संभव है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई इलाकों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुदुचेरी में दो दिन छिटपुट जगह वर्षा का अनुमान है। दो दिन तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में दो दिन अधिकतर स्थानों पर बरसात के आसार है। दो दिन अंडमान निकोबार में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर आइए डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में अधिकतर जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह वर्षा हुई। उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का हिस्सों में बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में पानी बरसा। असम और मेघालय में कई स्थानों पर बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में वर्षा हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर बादल बरसे। गांगेय पश्चिम बंगाल में अधिकतर। मध्य प्रदेश के गिने चुने हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं और पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट जगह बरसात हुई। गुजरात के कई हिस्सों और कोंकण, गोवा, विदर्भ के ज्यादा इलाकों में वर्षा हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ज्यादातर स्थानों पर बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह और तेलंगाना में अधिकतर इलाकों में पानी बरसा। तमिलनाडु, पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। तटीय कर्नाटक में ज्यादातर स्थानों में और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के कई हिस्सों में वर्षा हुई। केरल और लक्षद्वीप के अधिकतर इलाकों में वर्षा हुई। अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर बादल बरसे। और आइए बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। बिहार के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। गुजरात के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा।
मध्य महाराष्ट्र के छुटपुट हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। कोंकण गोवा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 अधिकतम तापमान के बाद आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। सिक्किम पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। और अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कैसे करें भिंडी की खेती। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। अब कैसे भी आपने बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस मौसम में किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए कैसे करें कृषि कार्य, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में धान के खेत से खरपतवार निकालें, धान की बुआई करें। किसान कपास की बुआई कर सकते हैं। कपास के खेत में हल्की सिंचाई करें। यहाँ मक्के की बुआई करते रहें किसान। अभी तिल के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। साथ ही मूंगफली की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा गन्ने की बुआई करते रहें। वहीं अरहर भी बो सकते हैं किसान। अरहर के खेत से खरपतवार निकाल लें। यही मूंग के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। इसके साथ ही मूंग की बुआई करते रहें। आंध्र प्रदेश में बैंगन में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में बैंगन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। तमिलनाडु में धान की रोपाई करने धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान मूंग और उड़द के खेत में सिंचाई करते रहें। यही नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहां मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। अभी ज्वार के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा प्याज के खेत में सिंचाई कर लें। वहीं केले के गुच्छों की कटाई कर सकते हैं। केले के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। यहीं बैंगन और लौकी के खेत की देखभाल करें। तमिलनाडु में हल्दी के खेत की भी देखभाल करते रहें किसान। और बढ़ते आगे बात करते हैं आज की फसल की। इस मौसम में भिंडी की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल तभी प्राप्त होगी जब आप बुआई से लेकर पौधों में भिंडी तरीका और किन किन कीटों से भिंडी को बचाने की जरूरत है जानने के लिए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित हमारी रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। एक हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसी है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बाद सिंचाई की करे तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करे और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करे। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। और बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की।
असम में धान की रुपाई कर ले किसान। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। असम में जूट के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। असम में गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। मक्के की तैयार फसलों की कटाई करते रहें। असम में हल्दी के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। तिल की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। असम में अरहर की बुआई करते रहें। अरहर के खेत से खरपतवार निकालें। असम में काली मिर्च की रुपाई करें। और मौसम खबर में यहाँ वक्त वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और मौसम से जुड़ी खास खबरों की। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले, कल के अविश्वास से अब तय किया है हमने। बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल के साथ। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे नदी पर्वत नहीं, भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। मेघालय में धान की रुपाई कर सकते हैं किसान। धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, इसका विशेष ध्यान दें। मेघालय में मक्के के खेत की देखभाल करें। लोबिया की बुआई के लिए समय उचित है। मेघालय में हल्दी के खेत में निराई कर लें। अदरक के खेत में भी निराई करते रहें। वहीं मक्के के खेत में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। मेघालय में बीन की बुआई करते रहें। बैंगन के खेत में निराई कर सकते हैं। मेघालय में लाल मिर्च के खेत में भी निराई करें। और बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम के अहम झलकियों पर। दो दिन उत्तर प्रदेश के छिटपुट हिस्सों में तेज वर्षा संभव। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दो दिन गिने चुने इलाकों में भारी बरसात के आसार। दो दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह होगी मूसलाधार वर्षा। दो दिन गुजरात और कल विदर्भ के इक्का दुक्का हिस्सों में जोरदार वर्षा का अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में दो दिन कहीं कहीं तेज बरसात संभव। दो दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में गिने चुने इलाकों में भारी बारिश के आसार। उत्तरी और दक्षिण आंध्री कर्नाटक में दो दिन छिटपुट हिस्सों में होगी जोरदार वर्षा। दो दिन उत्तरी पश्चिमी अरब सागर में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। गोवा और कर्नाटक तट पर दो दिन 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं की संभावना। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान।
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक ऐप तैयार की गई है जिसका नाम है उमंग। क्या विशेष में आई जानते हैं। इस ऐप के जरिए भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मकान, कृषि, यातायात और यहां तक कि रोजगार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसका लाभ कहीं भी किसी भी समय मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप से ले सकते हैं। साथ ही संबंधित विभागों और लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत भी नहीं। उमंग ऐप में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को आप अपने फोन से स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। किसी भी समय आप यूट्यूब पर हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।